स्टक होगा है? जी। ये देखो जिस डायरेक्शन में भी हम घुमा रहा है स्टेयरिंग। ये है फोर्ड फ्यूजन, इसका जो है इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है, उसी का इसमें जो है इशू आता है। अभी इसका जो है स्टेयरिंग जो है टर्न नहीं हो रहा है, ना लेफ्ट को ना राइट को। हाँ भाई ट्राई करो, स्टक होगा है जी। देखो स्टक हो चुका है बिल्कुल, ना लेफ्ट को टर्न हो रहा है ना राइट को। तो अभी इसका जो है हम खोलते हैं स्टेयरिंग और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके ऑफ कर दो जी इंजन। तो कस्टमर की असेंबली तो निकली भाई जाम, ये बिल्कुल घूम नहीं रही। इसकी मोटर हमने खोली और मोटर खोलने के बाद में देखा ये बिल्कुल जाम है। अभी हम इसको जो है लगा रहे हैं तो चल नहीं रहा है हमारा वाला। इससे कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, इसकी वायर कनेक्ट करके चला रहे हैं तो चल रहा है। अभी ये कस्टमर का ओरिजिनल है स्टेयरिंग असेंबली, ये हम इसमें लगा रहे हैं। तो हम ये अपना लगा रहे हैं तो इसकी ये मोटर चल नहीं रही। लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसकी जो ये वाली वायर है तो ये इससे कनेक्ट होती है, जो ये बताता है रोटेशन आपके स्टेयरिंग की, इसमें फ़र्क है। इसकी वायर जो है ये देखो, इसमें चार वायर हैं और इसमें जो है छः वायर हैं। अभी इसमें काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें भी। ये दूसरे मॉडल का, ये दूसरे मॉडल का, तो इसकी वजह से चल नहीं पा रहा। अब देखो इसको हम कमांड दे रहे हैं हल्की सी हाथ से, तो ये उसको घुमा रहा है। ये इसका जो है जाम हुआ है बैरिंग यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये दूसरा कंप्लीट लगाया, ये चल नहीं पा रहा। फ़र्क क्या था, इसमें सेंसर का जो है वायर है इसमें फ़र्क था। ये फोर वायर का था और इसका कस्टमर का जो है वो सिक्स वायर का था। तो अभी हमने यहाँ से सिक्स वायर वाला निकाल करके इसमें लगाया है और लगा कर देखा इसको। तो ये मोटर देखो ठीक चल रही है, ये देखो प्रॉपर काम कर रही है। देखो ये देखो जिस डायरेक्शन में भी हम घुमा रहा है स्टेयरिंग को, ये उसी डायरेक्शन में जो है मोटर चल रही है। अब जितनी तेज़ घुमाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ सेंस करेगी, और जितने स्लो घुमाएंगे उतने ज़्यादा स्लो जो है वो सेंस करेगी। तो ये जो रैक है ये कस्टमर की रैक है, ठीक है। और ये जो रैक है ये हमारी है जो हम इसमें लगाने के लिए जा रहे थे। अब इसमें फ़र्क क्या था कि हमारी रैक में जो है ये चार वायर वाला जो है ये सेंसर लगा हुआ था, ये देखो इसमें चार वायर हैं, और इसमें कस्टमर वाले में जो है वो छः वायर लगे हुए थे, ये देखिए। तो अभी इसमें अगर हम चार वायर लगाकर और मोटर से कनेक्ट कर रहे थे तो ये मोटर चल नहीं रही थी, मोटर को घुमा नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि इसमें से जो ये सिक्स वायर वाला था सिर्फ वायर यहाँ से निकाली हमने और यहाँ पर लगा दी। अब वायर में हमें इसमें एक प्लस पॉइंट मिला, क्योंकि इसका जो है दूसरा देखो दूसरे तरह का है, ये आप देख रहे होंगे किस तरह का होल है इसमें, दो बोल्ट खींचे हुए हैं इसमें। और इसका जो है ये इस तरह का है, ये सिंगल था, ठीक है, सिंगल बोल्ट। अब हुआ क्या कि ये तो बड़ा था, ठीक है, अगर हमें वहाँ लगाना होता तो ये नहीं लगता वहाँ पर, लेकिन उसका जो है इस तरह का दिया हुआ है सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ से निकाल के हमने इसमें लगा दिया सिंपली। अभी मैं इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके लगाता हूँ, सिलिकॉन वगैरह लगा के फेस साफ करके। ये जो है अंदर इसका ये सेंसर सेम सेम है, ये देखो सिक्स पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर सिक्स पॉइंट इसमें है और सिक्स पॉइंट इसमें है, तो ये लग जाएगा आराम से। तो अभी इसको लगाते हैं हम। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। वायरिंग को अच्छे से टेप कर दिया हमने और ये जो है सेंटर में रहना है ताकि जो हीट है उसकी एग्जॉस्ट की वो इसको खराब ना करे वायरिंग को। इसका ये फिश का लॉक ख़राब है तो इस पर हल्की सी सिलिकॉन लगानी है। सिलिकॉन हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की साइड में ताकि नेक्स्ट टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर लगा देंगे तो मुश्किल होगा, यहाँ पर बस इधर 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 अंदर है ना। मियाँ कैमरा। अच्छा मैं एक मोबाइल के लिए ऑर्डर कर दिया हूँ वो फिश वाला। खलास मियाँ
पहले आपने देखा है बिल्कुल जाम था, स्टक हो गया था। अभी जो है हमने इसका काम कंप्लीट कर दिया और देखो एकदम फ्री चल रहा है। भैया तो फिटिंग हुई भाई कंप्लीट इसकी, ये देखो बस अभी बोल्ट चेक कर रहा है कोई लूज वगैरह तो नहीं है सारे। तो भाई अपने देसी तरीके से अलाइनमेंट कर दिया है ऐसे यहीं पे धागा वागा लगा के, बाकी तो वहां पर चेक हो जाएगा कंप्यूटर पर। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। सही है स्टीयरिंग व्हील भी नहीं, कुछ दिलवाए खुद फ्री में तो बता यार, पैसे ना।